हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज सामान्य ज्ञान स्पेशल की पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी और लेखपाल के लिए। इसमें वो क्वेश्चन को लिया गया है जो ग्रामीण परिवेश से पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि UPSC या इन सब एग्ज़ाम्स में 2 तरीके के GS पूछती है, मतलब सामान्य अध्ययन। एक तो उनका सामान्य अध्ययन जो होता है नॉर्मल हिस्ट्री, जियोग्राफी, भूगोल से जो होता ही होता है, प्लस एक ग्रामीण परिवेश जो ग्राम की योजनाएं जो होती हैं, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी, लेखपाल से संबंधित जो वर्क होते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश किया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन को समावेशित किया जाए और साथ में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो चैनल को शेयर भी करें और उसको लाइक भी करें। चलिए फिर स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामुदायिक विकास योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो होता है सामुदायिक विकास योजना का संचालन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई है। किस स्थान पर दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। देखिए मलिहाबाद लखनऊ में, लखनऊ से यहाँ से ज़्यादा दूरी पे 50-60 किलोमीटर की दूरी पे लखनऊ से मलिहाबाद पड़ता है। ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के जो ARO का एग्ज़ाम आयोग के द्वारा होता है, उसमें अभी पूछा गया था ARO एग्ज़ाम में कि आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो ऑप्शन मलिहाबाद ना देकर के लखनऊ दिया था। आपको दोनों भी ऑप्शन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन ऑन फायर्स जिसके अक्टूबर 2006 में सरकार की रिपोर्ट का नेतृत्व किसने किया था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है। महोबा, देखो लिखा गया, इसको माफ़ करिएगा गाइस, यहाँ पे महोबा होगा, महोबा, महोबा नॉट मबोहा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, महोबा। ठीक, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ है। महोबा हो, इसमें महोबा है। इस प्रिंट मिसप्रिंट से आपको याद भी हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 1999 में की गई थी। 1999 में गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य में आइसोपॉम योजना को कब प्रारंभ किया गया था। तो ये 2004 और 5 में किया गया था। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। किस शहर में बड़े पैमाने पर केला पैदा किया जाता है। तो देखिए वैसे पैदा तो बहुत जगह किया जाता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी जो है माने जाते हैं अच्छे खासे यहाँ पे पैदावार होती है। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। मिर्ज़ापुर, झांसी में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। इसमें 25 क्वेश्चन हम देखेंगे। 25-25 क्वेश्चन की सीरीज़ हम लेके आए हैं। मैं इसमें 10 से 12 वीडियोज़ अपलोड करूँगा, आप उनको देख लेते हैं। तो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मथुरा एवं आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। तो गोकुल बैराज परियोजना। याद करिए, गोकुल बैराज जो है मथुरा आगरा, आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। मथुरा में कृष्ण जी की, मथुरा वृंदावन है, कृष्ण जी की पूजा वहाँ पर होती है, उनके मंदिर है वहाँ पर। तो आप उससे समझ सकते हैं कि गोकुल, कृष्ण जी गोकुल मतलब गाय को बहुत पसंद करते थे, ये समझिए गाय गोकुल, गोकुल कहा जाता था एक तरीके से। तो गोकुल बैराज परियोजना मथुरा और आगरा में है। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकलती है। मतलब उत्तर प्रदेश के आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकलती है। ये यमुना नदी। देखिए ये भी आप समझ सकते हैं, आगरा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल राज्य कौन सा है। देखिए सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो पंजाब है। अब ये समझिए कि राजस्थान है, राजस्थान में वैसे भी सिंचाई से बहुत कम होता है। तो उत्तर प्रदेश भी नहीं है, सबसे ज़्यादा सिंचाई के अंतर्गत आता है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिक अन्न उपजाऊ समिति का गठन कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिक अन्न मतलब ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो ये किस समय इसकी समिति गठित की गई थी? है 1952 में। 1952 में ये समिति गठित की गई थी। ग्रामीण कल्याण हेतु श्री निकेतन योजना 1908 में किसने शुरू की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामीण कल्याण हेतु श्री निकेतन योजना 1908 में किसने शुरू की थी? तो ये शुरू किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 40 से 46%, अभी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। एजोला किस फसल की सबसे उपयुक्त जैव उर्वरक है? देखिए, आपको इस एग्ज़ाम में ग्रामीण परिवेश में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब फसलों की प्रजाति पूछ ली जाती है, उसमें कुछ खाद वगैरह जो होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। योजनाएं जो हैं उसकी भी, ये भी आप मेरे और वीडियो में देखेंगे। तो ग्रामीण से रिलेटेड जितनी भी पंचायती योजनाएँ जो होती हैं, पंचायत का गठन कब होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने एक सेपरेट वीडियो में है, या तो इन्हीं वीडियो के बीच बीच में क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो एजोला किस की फसल के लिए सबसे उपयुक्त जैव उर्वरक है? धान। धान के लिए एजोला जो है सबसे अच्छी उपयुक्त जैव उर्वरक माना जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप ये सबको पता होगा, कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में। गन्ने में कितने प्रतिशत तक चीनी पाई जाती है? तो गन्ने में चीनी जो है 9 से 10% तक चीनी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? तो 1980। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1980 में शुरू किया गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था? मिड डे मील की बात हो रही है ये, तो ये कब से शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। ये क्वेश्चन मुझे याद है गाइस कि एक पेपर में देख रहा था, लास्ट ईयर के पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, शायद ये लेखपाल के ही पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्वविद्यालयों में, मतलब सॉरी विश्वविद्यालय में, मुझे माफ़ करिएगा, विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1995 में किया गया था। सोयाबीन कौन सी फसल है? तो सोयाबीन खरीफ की फसल है। देखिए, खरीफ की फसल और रबी की फसल, इसको रट लीजिएगा चाहे जैसे कौन कौन से होते हैं और कब कब इसकी बुआई होती है और कब कटाई होती है। ये एक क्वेश्चन 100% रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है कि इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। हालांकि इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बीच बीच में रखा है, आपको इसको बार बार मैं याद दिलाता रहूँगा कि ये यहाँ पर इसको पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ये होते हैं, आपको याद हो जाएगा। मक्का में सफ़ेद कलिका रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो देखिए, मक्का में सफ़ेद कलिका रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता होता है, जिंक जिसको कहते हैं, जस्ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पौधों की वृद्धि जो होती है वो क्यों रुक जाती है? तो वो जिंक की कमी से होती है, जिसको बढ़ना होता है वो जिंक की कमी से रुक जाता है। जैसे इंसान को प्रोटीन्स में, प्रोटीन से ही ऊतक बनते हैं, विभिन्न विभिन्न पार्ट बनते हैं, उसी तरीके से। झूम स्थानांतरित कृषि पद्धति प्रचलित है पूर्वी भारत में। देखिए, झूम या स्थानांतरित, जैसे नाम से लग रहा है, झूम अगर दे दिया होता तो आप थोड़ा सा डाउट में, तो झूम कृषि पद्धति प्रचलित है कहाँ है? पूर्वी भारत में। लेकिन झूम कृषि होती क्या है एक्चुअली, इसमें होता क्या है? स्थानांतरित होता है। इसमें झूम की खेती में होता क्या है कि जैसे कोई समुदाय है, या मैं कह लूँ कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं, या तो फिर जो आज मतलब जिनके पास खेत नहीं है, या तो वो क्या कहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जो वो वहाँ पे खेती करते हैं, तो वहाँ पे जो जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे खाते हैं, पीते हैं, उसको काटते हैं, पेड़ पौधों को जितना भी उसको यूज़ कर सकते हैं यूज़ करते, फिर वहाँ से स्थान चेंज करके कहीं और चले जाते हैं, फिर वहाँ पर जा कर के वहाँ पर वही चीज़ें करते हैं, कुछ चीज़ें वो अपने से। देखिए, इसमें बोते होते नहीं है खेत में कि खेत की जुताई करो, ये बो, ऐसा करो। अगर वो करते भी हैं थोड़ा बहुत कि काट पीट के बोया खाया फिर चल दिया आगे, इस तरीके को, तो इसको झूम खेती, इसको स्थानांतरित कृषि पद्धति कहते हैं। ये पूर्वी भारत में फेमस है सबसे ज़्यादा। ICC V2 किस फसल की प्रजाति है? तो ICC V2 ये है चने की प्रजाति है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और IR8 T10। 3 किस फसल की प्रजाति है? देखिए फसल की प्रजातियां हैं, मैं अभी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा इस पर, हालांकि इसमें रहेंगे ही रहेंगे। ऑलरेडी एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हर वीडियो में एक मैं डाला हूँ। 5-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आने में अभी कम से कम 10 से 12 वीडियो अपलोड होंगी। 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, एक सेपरेट वीडियो में इसका डालूंगा। आप नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर लें, वहाँ बेल आइकन को, जिससे आपको वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कभी कभी होता है कि हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं, आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है, ऐसे मुझे कमेंट्स में मिलता है। उसमें ये होता है कि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हो चैनल को, बट बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद उसमें आपको नोटिफिकेशन आने लगेंगे। ठीक है, मनरेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा योजना कब से संपूर्ण देश में चलाई जा रही है? तो पूरे देश में चलाई जा रही है 1 अप्रैल 2008 से। तो 1 अप्रैल आपको पता है यार कौन सा डे मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल 2008 से, 2008 से 1 अप्रैल 2008 ऐसे पढ़ लीजिए। तो 1 अप्रैल क्या होता है आपको पता है। 2008 से मनरेगा योजना पूरे देश में लागू की गई थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Thank you फॉर वॉचिंग।